पे कर रहे हो तो आपको प्रॉपर जो रूल्स में गाड़ी है वही गाड़ी आप हायर कर रहे हो। बाइक ब्रेकडाउन हो गया, मेजर ब्रेकडाउन हो गया, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट क्या मिलेगा? जो लोकल यहाँ पे रहते हैं उनके लिए व्हाइट नंबर प्लेट है, ये बिजनेस पर्पस में नहीं होता है। जो कॉमर्शियल है उसको येलो एंड ब्लैक नंबर का नंबर प्लेट होता है, वही बाइक या फिर वही कार आपको रेंट करना है। काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि पहले उनका डैमेज था हमारे ऊपर डाल दिए करके, इससे बचना है तो आपको क्या करना है? जी यस गाइस, तो सर, जैसे कि आपको पता है गोवा में अभी काफ़ी सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं, तो आज के जो वीडियो है और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है रेंटल को लेके, जब आप गोवा पहुँचते हो गोवा एक्सप्लोर करने के लिए आपको चाहिए होता है रेंटल कार या फिर बाइक, ये बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं और सस्ता भी होता है, जिसके वजह से काफ़ी सारे टूरिस्ट रेंटल ही प्रेफर करते हैं। तो बाइक या कार रेंट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। ये वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे प्रॉपर तरीके से आप रेंट करोगे बाइक या फिर कार, और उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको कौन से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके आना है, या फिर मुझे काफ़ी सारे मैसेज आता है डिजी लॉकर का लाइसेंस चलेगा क्या, लर्निंग लाइसेंस पे हम लोग गाड़ी निकाल सकते हैं, काफ़ी सारे मुझे मैसेज आए दिन आते रहते हैं। तो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और जो नया रूल्स आया है ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, कंप्लीट देख लीजिएगा। आप अगर गोवा टूर प्लान कर रहे हो और रेंट करने का आपका अगर प्लान है, वीडियो आपके लिए है। टूर प्लान आइटनरीज के पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। डे बाय डे सारे आइटनरीज मैंने अरेंज करके रखा है, आप अपने टूर के दौरान ये पीडीएफ फाइल आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उसके हिसाब से आप डे वन में कहाँ पे घूमना है, डे टू में कौन से एक्टिविटी करोगे, उसका प्राइस क्या है, कहाँ पे कौन से एक्टिविटी होता है, कौन से टाइम पे ओपन होता है, कौन से टाइम पे क्लोज होता है, सारे डिटेल ये पीडीएफ फाइल में आपको मिलेगा। तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको अपने टूर में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे कौन से प्लेस में आपको रेंट करना चाहिए बाइक या फिर कार। मैं आपको बताऊंगा, आप अगर ट्रेन से आ रहे हो और सेम रेलवे स्टेशन से आपका अगर रिटर्न है, तो मैं रिकमेंड करूंगा वही रेलवे स्टेशन के आसपास आप रेंट कर लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कहाँ पे हमको ऑफिस मिलेगा, आपको बताऊंगा आगे सुन लीजिएगा। तो वही रेलवे स्टेशन से रेंट करने से आपको फ़ायदा ये होता है, जो पिकअप ड्रॉप का चार्जेस ये आपका रिड्यूस हो जाता है, ये चार्जेस मोटा अमाउंट रहता है। तो आप अगर रेलवे स्टेशन के पास बाइक या फिर कार रेंट कर रहे हो, तो वही गाड़ी से आप नॉर्थ गोवा साउथ गोवा एक्सप्लोर करके सेम प्लेस में सरेंडर करके जा सकते हो। जो जो होटल तक का पिकअप एंड ड्रॉप का जो चार्जेस होता है ना, 5-6 हज़ार रुपये आप सेव कर सकते हो, ये बड़ा अमाउंट होता है। उतने अमाउंट में आप पूरा जो आपका टूर है ना आप बाइक से घूम सकते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है पहला। सेकेंड है, आप अगर फ्लाइट से आ रहे हो एयरपोर्ट के पास भी आपको रेंटल का ऑप्शन मिलता है। कहाँ मिलेगा अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाया है रेलवे स्टेशन के पास एयरपोर्ट के पास, एजेंट के थ्रू ही करना पड़ेगा क्योंकि आसपास आपको ऑफिस नहीं मिलता है। टैक्सी बुकिंग काउंटर आपको रेलवे स्टेशन में भी मिलेगा, एयरपोर्ट में भी मिलेगा, आप अगर जाना चाहते हो तो अलग बात है, पर आप अगर रेंट करना चाहते हो तो आपको एजेंट के थ्रू ही बुक करके आना पड़ेगा, एडवांस आपको बुक करना पड़ेगा। तो उसके रिलेटेड मेरे चैनल पर आपको काफ़ी सारे वीडियो मिलेगा, जाके उनको कॉन्टैक्ट करना है और अपना बाइक कार बुक करके आ सकते हो। ये हो गया, ये मैंने इसलिए आपको बताया, आपका जो पिकअप ड्रॉप चार्जेस ये ड्रॉप हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से नहीं बुक करना है, आप अपने होटल के पास पहुंचने के बाद बागा कालंगुट सारे प्लेस में आपको रेंटल का ऑफिस मिलेगा। सारे जो भी प्लेस में जाइएगा आपको मार्केट एरिया में रेंटल का ऑफिस मिलता है, या फिर होटल वाले भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका रेंट कहाँ पे करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, मैंने आपको बता दिया। अभी बात करेंगे रेंट करने से पहले आपको कौन सी चीज़ें ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है यहाँ का पॉलिसी मैं आपको बताता हूँ। जब आप रेंट करते हो, एक बार रेंट कर लिया बाइक आपके पास गया, पूरा दिन जितना भी दिन आप घूमोगे गोवा में, गोवा घूमने के बाद जब आप सरेंडर करोगे, जो ओनर है ये बाइक चेक करेगा, बाइक में अगर कोई भी स्क्रैचेस हुआ, डैमेज हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसका जो फाइन आपको पे करना, फाइन मतलब जो रिपेयरिंग चार्जेस ही आपको पे करना पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम क्यों नहीं करते, ये उनका रूल्स है, स्टैंडर्ड रूल्स है, आपने अगर डैमेज किया है आपके एंड से हुआ है तो आपको पे करना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि पहले उनका डैमेज था हमारे ऊपर डाल दिए करके, इससे बचना है तो आपको क्या करना है? जिस टाइम पे आप कार या फिर बाइक रेंट करें कोई भी प्लेस में,
आपको एक वीडियो फुटेज रिकॉर्ड कर लेना है उनके सामने। बाइक ले लीजिए, पूरा चारों तरफ आप प्रॉपर तरीके से चेक कीजिए, जो भी डेंट लगा है, जो भी स्क्रेच हुआ है, ओनर को उसी टाइम इन्फॉर्म करना है और उसके साथ अपने पास एक वीडियो फुटेज रखना है। प्रॉपर तरीके से उनको भी दिखाइए और अपने पास भी एक फुटेज रख लीजिएगा। उनको बताइए ये पहले से स्क्रेच है, ये आप देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब आप व्हीकल रिटर्न करोगे उस टाइम आपको आपके ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते। हाँ, आपने अगर नया कुछ किया है तो आपको पे करना पड़ेगा, ये इनका स्टैंडर्ड रूल से। आप कहीं से भी ले लो, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, कहीं से भी रह लो, ये इनका स्टैंडर्ड रूल्स होता है, डैमेज का आपको पे करना पड़ता है। अभी बात करते हैं आपको कौन से डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। कुछ प्लेस में आपको ओरिजिनल लाइसेंस पूछते हैं, मोबाइल में जो फोटोकॉपी हो गया या फिर डिजी लॉकर का जो लाइसेंस है ना, चलता है, पर कोई कोई प्लेस में आपको ओरिजिनल पूछेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपका ओरिजिनल लाइसेंस ही लेके आना है। लर्निंग लाइसेंस पे यहाँ पे आपको रेंट नहीं मिलेगा, आप रेंट नहीं कर सकते हो। और एक चीज़, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपने नाम पे रेंट करते हैं, जैसे कि अगर कपल आ रहे हैं तो कपल हस्बैंड के नाम पे रेंट किया और वाइफ को चलाने के लिए देते हैं, ये भी आप फंसोगे। विदाउट लाइसेंस यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। यहाँ पे एक तो आपका लाइसेंस सस्पेंस होगा, फाइन तो भरोगे अलग से, ऊपर से आपको भागना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, जिसमें आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेंट से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। डिपॉजिट एक आपका डॉक्यूमेंट होता है, ये कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपको देना रहता है। लाइसेंस आपके पास होगा, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, कोई भी उनके पास एक डिपॉजिट होता है, और उनका जो पॉलिसी होता है कितना डिपॉजिट अमाउंट रखते हैं, एक दिन का, दो दिन का, ये अमाउंट आपको डिपॉजिट दे के बाइक रेंट करना होता है। अभी बात करते हैं मेन ट्रैफिक रूल्स, आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। मेन है, आप अगर बाइक से जा रहे हो तो हेलमेट और ट्रिपलिंग नहीं करना है, ट्रिपल सीट नहीं जाना है, ये बहुत ध्यान रखना है। ये बेसिक चीज़ आप अगर फॉलो करते हो तो आपको पुलिस नहीं रुकाएगा, क्योंकि बाइक का जो डॉक्यूमेंट है इसमें बाइक में रहता है या फिर ओनर के पास होता है, तो बाइक का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने अगर हेलमेट नहीं डाला है या फिर हेलमेट का जो बेल्ट है ये भी प्रॉपर तरीके से डालना है, इसके लिए भी पुलिस रुकाता है। अभी काफ़ी सारे मुझे कपल्स के कमेंट आता है कि हम कपल है, हमारे साथ 7 साल 8 साल का बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे है, तो उनके साथ हम ट्रैवल कर सकते क्या। बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हो, एक बच्चे के साथ 10-12 साल के बच्चे आप आराम से लेके जा सकते हो। 2 बच्चे है तो थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि एक ही बाइक में 4 लोग थोड़ा रिस्क होता है। आपके लिए है, पुलिस का तो मुझे पता नहीं, पर आपके लिए रिस्क होता है, आप उसके हिसाब से प्लान कर लीजिएगा। रेंट करने से पहले एक बात आपको ध्यान रखना है, कोई भी ट्रैवल एजेंसी से आप बाइक या फिर कार रेंट करते हो, येलो नंबर प्लेट वाला ही आपको रेंट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेके अभी काफ़ी ज़्यादा रूल स्ट्रिक्ट हुआ है। जो ओनर आपको देगा वाइट अगर नंबर प्लेट है ना, आपको समझाता हूँ पहले वाइट नंबर प्लेट और येलो नंबर प्लेट में डिफरेंस क्या है। व्हाइट नंबर प्लेट जो है ये यहाँ पे लोकल जो है उनके लिए है, जो लोकल यहाँ पे रहते हैं उनके लिए व्हाइट नंबर प्लेट है, ये बिजनेस पर्पस में नहीं होता है। जो कॉमर्शियल है उसको येलो एंड ब्लैक नंबर का नंबर प्लेट होता है, वही बाइक या फिर वही कार आपको रेंट करना है। व्हाइट वाला आपको अगर कोई भी ओनर दे रहा है तो आपको नहीं लेना है। इसमें क्या होगा, पकड़ा गया तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, उनका बाइक या फिर कार तो सीज होगा, उसके साथ आपका लाइसेंस सस्पेंस होने का चांस है, आपको प्रॉब्लम होगा। सारे प्रोसेस आप फॉलो करो, आपका लाइसेंस लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन, वहाँ पे आप भागो, फाइन पे करो, ये सारे झंझट में फंसोगे। तो बेकार का टेंशन आपको लेना नहीं, क्योंकि आप लोग पैसा पे कर रहे हो, तो पैसा पे कर रहे हो तो आपको प्रॉपर जो रूल्स में गाड़ी है वही गाड़ी आप हायर करना। जी हाँ दोस्तों, और रेंट करने से पहले उनसे पूछना है रोड साइड सपोर्ट असिस्टेंट क्या मिलेगा। अगर बाइक ब्रेकडाउन हो गया, मेजर ब्रेकडाउन हो गया, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट क्या मिलेगा। एग्जांपल, आप नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जा रहे हो, रास्ते में गाड़ी आपका ब्रेकडाउन हो गया, छोटा मोटा अगर पंक्चर हो रहा है तो आपको बताएंगे आप सर्विस करा लो और आगे बढ़ो करके आपको बता देंगे, और आपका जो पैसा है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अगर मेजर ब्रेकडाउन होता है गाड़ी का तो उसका सपोर्ट क्या मिलेगा, ये उनसे बिल्कुल आपको पूछना चाहिए, और उनका रूल्स एंड रेगुलेशन सारे प्रॉपर तरीके से पूछने के बाद आपको रेंट करना है। और अगर कोई माइनर है, 18 ईयर बिलो है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी नहीं देना है। अभी एक बात आपको बताता हूँ क्या होता है, मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, डे बाय डे में जाता रहता हूँ बीच साइड में, कलंगुट बागा से थोड़ा अंदर चले गए, जैसे कि मोरजिम हो गया, मांद्रे मास्वेम, वो साइड में क्या होता है आपको विलेज टाइप का एरिया मिलेगा, तो वहाँ पे काफ़ी सारे मैंने टूरिस्ट को देखा है क्या करते हैं, विदाउट हेलमेट चले जाते हैं, ट्रिपलिंग करते रहते हैं, तो ऐसे में उनको क्या लगता है ये गांव टाइप का एरिया है, यहाँ पे कहाँ से पुलिस आएगा। पर पुलिस ऐसे ऐसे प्लेस में रहता है, आपको दिखेगा नहीं, अचानक आपको रुकाएगा और फाइन आपको पे करना पड़ेगा, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है।
मैं जाता रहता हूँ प्लेस में, तो ऐसे मिस्टेक नहीं करना है, आप प्रॉपर रूल्स के साथ जाइएगा। क्योंकि देखिए, आप टूर करने के लिए आ रहे हो, पैसा जाएगा ये बात तो अलग है, अगर उन्होंने आपका लाइसेंस होल्ड कर दिया या फिर गाड़ी को उठा ले गया, तो आपका इसमें टाइम टेकिंग बहुत टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाला है। तो ऐसे में आप प्रॉपर तरीके से बाइक हायर करें और प्रॉपर रूल के साथ आप गोवा एक्सप्लोर कर सकते हो। और लास्ट में ये है, यहाँ पे ड्रिंक एंड ड्राइव का जो रूल्स है काफ़ी स्ट्रिक्ट है। काफ़ी सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं, क्लब में कैसीनो में गए वहाँ तो ड्रिंक्स होगा, तो होटल तक कैसे पहुँचे, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका अगर ऐसा कुछ प्लान है तो आप टैक्सी प्रेफर करें, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव में रात को ज़्यादा करके स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है, पकड़े गए लाइसेंस सस्पेंस, जैसे हमने आपको बताया लाइसेंस सस्पेंस होने का चांस है, और उसके साथ 5,000-10,000 तक का फाइन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पीड लिमिट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा है, पुलिस भी रहता है, तो स्पीड लिमिट का भी आपको ध्यान रखना है। ब्रिज के ऊपर आपको ओवरटेकिंग नहीं करना है, अटल सेतु जो ब्रिज है, जो पेंजिम का जो बड़ा ब्रिज केबल वाला, इसमें बाइक अलाउड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका अगर प्लान है आपके बाइक या फिर आपके कार लेके आना है, काफ़ी सारे टूरिस्ट जैसे कि महाराष्ट्र कर्नाटका से जो टूरिस्ट आते हैं वो अपने गाड़ी लेके आते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है ओरिजिनल। और आप टैक्सी लेके आ रहे हो, जैसे कॉमर्शियल व्हीकल लेके आ रहे हो, तो उसको मेरे ख्याल से परमिट लेना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से लेके आना है। कार में आपका ग्लास टिंट नहीं होना चाहिए, सीट बेल्ट आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, और ड्रिंक एंड ड्राइव गाड़ी में भी बैठ के पीना नहीं है, ये आपको चेकिंग होता रहता है, गाड़ी में उन्होंने पकड़ा तो आपको फाइन पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और मेन जैसे कि आपको बताया, रेंट करते वक्त आपको येलो नंबर प्लेट वाला गाड़ी ही रेंट करना पड़ेगा, और प्रॉपर तरीके से आप अगर रेंट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अपना टूर आराम से कंप्लीट करके जा सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, और चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिएगा। हाँ, पीडीएफ फाइल चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।